तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती को लेके। दोस्तों पीछे जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अग्निवीर को लेके कि अग्निवीर का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है कि आपके फॉर्म कौन से वीक को डलना स्टार्ट हो जाएंगे, कौन से महीने को फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जरूर वो वीडियो देख लेना कि आपके फॉर्म कब डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आप जब अग्निवीर भर्ती का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी उसमें एज कितनी मांगी गई है और आपकी एज कितनी रहनी चाहिए जिसके कारण आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जैसे कोई फोर्स से रिलेटिव कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं आपको लेके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो ये उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो दोस्त आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं, जहाँ उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका एज कितना रहना चाहिए उनको भी ये पता लगना चाहिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो अभी बात करते हैं हम कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप अग्निवीर भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपकी एज कितनी मांगी गई है और आपकी अगर इतनी एज के बीच आपकी उम्र है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपकी एज कितनी रहनी चाहिए तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी एज उससे ज्यादा होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन में आपका एज के लेके मांगा है, एज लिमिट जो मांगी है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 2003 से लेके 2007 के बीच बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2003 से लेके 2007 के बीच बीच आपकी ओवरडेट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या मतलब हुआ, 2003 से लेकर 2007 के बीच बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, उसकी एज जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी एज का मतलब हुआ आपकी 17.5 से लेकर 21 साल के बीच बीच आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, फिर आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अग्निवीर का। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई बात में? मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ 17.5 से लेकर 21 साल के बीच बीच आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। 2003 से लेकर 2007 का मतलब यही होता है कि आपकी जो उम्र सीमा होने वाली है 17.5 से लेकर 21 साल के वर्ष आपकी एज होनी चाहिए उसके अंदर अंदर, फिर आप आराम से अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 22 साल एज है आप तभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 23 साल एज है आप तभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आगे 17.5 से आगे आपकी उम्र कम है तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते, चाहे आप 15 साल के हो चाहे 16 साल के हो। ठीक है, जब तक आपकी 17.5 एज नहीं हो जाती कवर तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 17.5 से थोड़ी सी ऊपर होगी एज फिर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, 17.5 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21 वाले आप मतलब कि आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एज 21 से ज्यादा है, 22 साल है, 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में उम्र सीमा इतनी ही मांगी गई है, 2003 से लेकर 2007 के बीच बीच में जो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको डेट ही बतानी, उम्र सीमा ही बतानी थी कि आप किस उम्र में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अग्निवीर भर्ती को लेकर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर एक अग्निवीर भर्ती के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उसमें ये बताओ कि हमारी जो उम्र सीमा है तो हम कौन सी हमारी उम्र सीमा में हम मतलब कि हमारी अगर एज 20 साल है कि हम अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर का फॉर्म। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बता दिया है, अगर आपकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच बीच में है तो आप आराम से अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अग्निवीर का फॉर्म अभी फरवरी महीने फर्स्ट वीक में अप्लाई होना शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं, अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं फरवरी महीने में फर्स्ट वीक में, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।